नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। इन दिनों हम जो नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसका ये दूसरा आपका क्लास है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। पिछली क्लास के अंदर थोड़ी एक प्रॉब्लम रही थी विजिबिलिटी की, क्योंकि पीडीएफ के साइज़ को छोटा कर दिया गया था, इसलिए वो सही तरीके से दिख नहीं पा रही थी। तो हमने प्रयास किया है, इस बार थोड़ा मैं बड़ा करके बताऊंगा। और आप सबने जो बताया कि भाई प्रश्न का जो विश्लेषण है, इस दृष्टि से सबको बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको और बेहतर अच्छे प्रश्न मिले, इस आशा और विश्वास के साथ हम आज की क्लास के अंदर आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो बिना किसी टाइम को जाया करते हुए अपन प्रश्नों की शुरुआत करें। आज के प्रश्न कुछ विशेष है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करते हैं, वो अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी भी साथ में यूज करें। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, अब आपको ढंग से दिख रहा होगा, अच्छी तरीके से दिख रहा होगा जहां तक मैं समझता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित किस समूह की स्थल आकृति का निर्माण अपरदन के कारण होता है। एक ग्रुप दिया गया है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि ग्रुप में अपरदन से बनने वाले स्थल रूप कौन से हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, चार आपके सामने विकल्प दिए। पहले विकल्प में है पलाया, शिखरिका, जलक या जलजक गृतिका, या जिसको जलज गृतिका भी कह सकते हैं। नंबर दो में एराटे, कैम, लेवीज। नंबर तीन में ड्रेमलिन, फियॉर्ड, तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म। नंबर चार में ड्रिप स्टोन, विलियन रंध्र, यू आकार की घाटे। आप इसका जो आंसर है वो अपने साइड से लिख सकते हैं, आपकी तरफ से कि भाई इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं है वो अपना आंसर दे देता हूँ। तो इसका आपका आंसर है नंबर वन। और आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर ये कैसे हो सकता है, मैं इन सब का आपको बता देता हूँ कौन कहाँ बनता है। और यदि आपको सबको जानकारी है तो आप स्किप करके वीडियो को आगे ले सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत भरम रहा है, जलज गर्तिका सब पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। पॉट हॉल जिसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं, ये एक इरोजनल है, अपरदनात्मक। शिखरी का क्या है इसको लेकर के, और आपके दिमाग में कंफ्यूजन है। शिखरी का एक हिंदी शब्द है और इंग्लिश में एक शब्द आपने पढ़ा होगा लेपीज, लेपीज न कि लेवीज। लेवीज अलग है और लेपीज अलग है। लेपीज जो आपने भूमिगत जल के अपरदन की एक आकृति पढ़ी होगी, उस लेपीज की जो ऊंची ऊंची चोटियां या शिखरी का ऊंचे ऊंचे जो शिखर रह जाते हैं, उसको ही कहते हैं शिखरी का। और एक शब्द रहता है प्लाया। तो कभी कभार अपन क्या सोचते हैं कि भाई प्लाया तो एक झील है, ये तो निक्षेपण से निर्मित हुई होगी, बट ये शुष्क प्रदेशों के अंदर जलीय अपरदन का परिणाम मानी जाती है। तो ये हो गया पहला आपका विकल्प, इसमें बैठ गया। इधर यदि आप लेते हैं तो जैसे एराटे, एराटे कह दें या तीक्ष्ण कटक कह दें, वो अपरदनात्मक है। कैम, कैम ये निक्षेपात्मक के अंदर चला जाएगा। और लेवीस, लेवीस कहते हैं तटबंध को। देखो ये लेवीज है ना, लेवीज या लेवीस, ये तटबंध का दूसरा नाम है, ये तटबंध का अंग्रेजी में कहते हैं। तटबंध तो फिर नदी निर्मित हो गया निक्षेपात्मक। ड्रमलिन, फियॉर्ड, तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म, तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म जरूर अपरदनात्मक है, फियॉर्ड अपरदनात्मक है, लेकिन ड्रमलिन नहीं होगा। फियॉर्ड इम वाला है, ड्रेमलिन है वो निक्षेपात्मक में आ गया। ड्रिप स्टोन, अब मैं इसमें क्या नई जो चीज है ना वो आपको बता देता हूँ, बाकी सब ज्योग्राफी के बच्चे हो आपने इसको पढ़ा होगा। ड्रिप स्टोन, ये ड्रिप स्टोन है वो इनका भूमिगत जल का निक्षेपात्मक स्थल रूप है, ध्यान रखना, जिसमें जब सत से वो ड्रिप नीचे पड़ता है तो नीचे उसके चूना का जमाव एक स्टोन पत्थर टाइप हो जाता है, उसको ड्रिप स्टोन कहते हैं। फिर विलियन रंध्र है, ये अपरदनात्मक के अंदर आएगा, भौम जल का। और यू आकार की घाटी,
या प्रदनात्मक में आएगी, लेकिन ये निक्षेपात्मक हो गया। तो ये पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अपन दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप या तरंगे अधिकेंद्र पर अधिक विध्वंसात्मक होती है। बात कहाँ की कर रहा है, ये अधिकेंद्र की कर रहा है। तो अधिकेंद्र पर सबसे ज्यादा विध्वंसात्मक कौन सी होगी, एस तरंग, बी में पी तरंग, सी में आर तरंग और डी में एल तरंग। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए, इस प्रश्न का आंसर है एल तरंग। कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अधि तरंग मतलब धरातल का वह बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती, वो अधि तरंग है। और इन तीनों तरंगों में सबसे ज्यादा विनाशकारी एल तरंग होती है, जो लेयरली यानी सतही रूप से ये चलती है, और सतही रूप से चलती है तो इसका कंपन बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए ये ज्यादा विनाश करती है। तो ये दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए। उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है, रिया, केवल इतना लिखा है, रिया निमंजित उच्च भूमि तट नंबर 2, उन्मंजित उच्च भूमि तट नंबर 3, मध्य सिलिक तट नंबर 4, संयुक्त तट। आप अपना उत्तर लिख दीजिए, रिया क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है निमंजित उच्च भूमि तट। आप सोचेंगे क्या निमंजित उच्च भूमि तट की बात कर रहा है। रिया फ्योर्ड के टाइप ही एक प्रकार की स्थलाकृति है। समुद्र के तट पे जब समुद्र का भाग निमंजित हो जाता है और स्थल का भाग ऊपर उठा नजर आता है, एक घाटी टाइप बनता है, उसको रिया कहते हैं। तो निमंजित उच्च भूमि तट है, अर्थात ये धरातल का तट है लेकिन उसका समुद्र का भाग है वो निमंजित हो चुका है, इस कारण वो एक गड्ढे नुमा आकृति में बन गया है। तो रिया क्लियर आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन सीधा, भू अभिनति के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने किन शब्दों से व्यक्त किया या कौन से नाम दिए। भू अभिनति के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान, हालांकि इसने चारों ओर शब्द लिया है, चारों ओर न होकर के कोबर दोनों ओर कहता है, दोनों ओर दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने क्या नाम दिया, क्रेटोजन, पर्वत जनन, प्राइमरफ, इंडरफ। तो ये चार नाम है, इन चारों में से आप अपना आंसर सिलेक्ट कीजिए। इस प्रश्न का आंसर है क्रेटोजन। बात किसकी कर रहा है, कोबर की कर रहा है। कोबर ने अपना पर्वत निर्माण का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में उसने कहा था कि भूसन्नति के दोनों ओर कठोर दृढ़ खंड है जिन्हें क्रेटोजन कहा जाता है। यूरेशियन क्रेटोजन यानी यूरेशियन पार्ट्स जो प्लेट्स का था साउथ की तरफ का, वो एक क्रेटोजन था, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का साउथ वो नॉर्थ का भाग था वो क्रेटोजन था। और दो क्रेटोजन जब भू अभिनति पर दबाव डालते हैं, अब वो जो मध्यवर्ती भाग है उसको पर्वत जनन क्षेत्र कहते हैं, पर्वत उत्पत्ति क्षेत्र कहते हैं। ये दो नाम भी आपको नए लगते होंगे, प्राइमरफ और इंडरफ। इसका भी मैं बता देता हूं, जब आप पैंक को पढ़ोगे, पैंक का इरोजन साइकिल पढ़ोगे, तो पैंक ने अपने इरोजन साइकिल में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। प्राइमरफ अर्थात उत्थान से पहले की संपराय भूमि, ये प्राइमरफ है। कौन कहता है, पैंक कहता है। प्राइमरफ उत्थान से पहले की अवस्था है, और इंडरफ ये एक प्रकार का संप्राय मैदान है जो अपरदन के बाद निर्मित होता है, जिसे डेविस ने पेनी प्लेन कहा है, उसी तरीके से पैंक ने उसको इंडर्फ कहा है। ये दोनों ही बहुत अच्छे शब्द थे, इसलिए उसका इन दोनों का यहाँ मैं विस्तार से बताना उचित समझा। उसके बाद नेक्स्ट अपन पांच क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है पांचवा, हवा की दिशा के समकोण की ओर उन्मुख दीर्घित रिज के रूप में बालू टीबों को कहा जाता है। तो ये ऐसी लैंग्वेज, ये बेसिकली नेट के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके अंदर स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज की जाती, क्योंकि वो इंग्लिश का ट्रांसलेटर हिंदी वर्जन है। तो
ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इस पर थोड़ा गौर कर लीजिए कि बात, मैं प्रश्न को वापस समझा देता हूं। समकोण की बात कर रहा है कि जिस साइड्स के अंदर हवा चल रही है उसके समकोण यदि बालू का टीला विकसित हुआ है तो उन बालू टीलों को क्या कहा जाता है? नंबर वन स्टार ड्यून्स, नंबर दो बरखान, नंबर तीन अनुप्रस्थ ड्यून्स और नंबर चार शिप। आप अपना उत्तर लिख दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है अनुप्रस्थ ड्यून्स। नाम से भी स्पष्ट है। देखो मूल रूप से दो तरीके के टीले बनते हैं, एक तो हवा की दिशा के पैरेलल बनते हैं, मतलब समानांतर बनते हैं, जैसे ऐसे हवा चल रही है ऐसे टीले बनते हैं, तो इसको तो कहते हैं अनुदैर्ध्य टीले, और इस तरीके से आड़े बनते हैं तो उसको कहते हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ ड्यून्स की बात है। स्टार तारे जैसी आकृति का होता है, बरखान ये अर्धचंद्राकार है, हालांकि ये अनुप्रस्थ से ही बनता है लेकिन इसे अर्धचंद्राकार आकृति का बालू जमाव कहते हैं, और सीप है जब बरखान की जैसे इस डायरेक्शन के अंदर जब हवा आ रही है तो बरखान की जो ये आगे निकली हुई जो शाखाएं हैं उनकी एक शाखा जब टूट जाती है तो इस तरीके से एक शाखा वाला जब भाग रहता है तो उसको कहते हैं सीफ। ठीक है, ये इनके अपने प्रकार है बरखानों के। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, हवा के समकोण पे जो चलेगा उसको अनुप्रस्थ ड्यून्स कहें, हवा के समकोण पे बनेगा तो अनुप्रस्थ ड्यून्स है, और यदि हवा के पैरेलल बनेगा तो अनुदैर्ध्य है। उसके बाद नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोस कटक स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार अपन कोकोस में और कार्ल्स करग्यूलेन गासबर्ग में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए विद्यार्थियों को हमेशा प्रश्न की पकड़ होनी चाहिए, प्रश्न की समझ होनी चाहिए। तो आपके सामने चार विकल्प है, हिंद महासागर, अंध महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक सागर। आप अपना आंसर डिक्लेयर कीजिए। कोकोस कटक की बात कर रहा है, इस प्रश्न का आंसर है प्रशांत महासागर। ये कई बार पूछा गया है और बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हिंद महासागर के अंदर भी एक कै जैसा नाम आता है, हिंद महासागर वाली कटक का नाम है कार्ग्यूलेन गासबर्ग कटक, जबकि ये पूछ रहा है कोकोस कटक। कोकोस हमेशा कोकोस आपको प्रशांत महासागर के अंदर मिलेगी। वैसे कोकोस प्लेट भी है, आपको पता होगा तो दक्षिण अमेरिकी प्लेट और इनके सॉरी मध्य अमेरिकी प्लेट और इनके प्रशांत प्लेट के बीच में कोकोस प्लेट मिलती है, तो उस हिसाब से भी अपना आइडिया जानना चाहिए कि भी कोकोस जो कटक है वो अपन को प्रशांत महासागर में मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत्तम महाद्वीपीय मग्न तट है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट मग्न तट के बारे में जानते हैं, मग्न तट, फिर आता है मग्न ढाल, ये महासागर ये नीतल है। तो सबसे बड़ा मग्न तट कौन सा, ये कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसमें नंबर एक चिली तट, नंबर दो ऑस्ट्रेलिया मग्न तट, नंबर तीन साइबेरिया मग्न तट और नंबर चार चीनी मग्न तट। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से अलग से लिख लीजिए। इस प्रश्न का आपका आंसर बनेगा साइबेरिया मग्न तट, हमेशा याद रख लेना। ये अपना पड़ेगा आर्कटिक महासागर के अंदर, अर्थात ये आर्कटिक महासागर ये नीतल का हिस्सा है। तो जो साइबेरियन मग्न तट है वो दुनिया की सबसे चौड़ी मग्न तटों में से एक है, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, अगला अपना प्रश्न है अंडमान सागर में सबसे गहरा बिंदु है, किसकी बात कर रहा है ये, अंडमान सागर की। आपके सामने चार गर्त दिए हुए हैं, नंबर एक टोगा गर्त, नंबर दो प्योर्टो रिको खाई, नंबर तीन मैरियाना खाई और नंबर चार क्यूराइल गर्त।
बात कर रहा है अंद महासागर की और गर्त की गहरे बिंदु की कर रहा है। आप अपना आंसर लिख लीजिए। इस प्रश्न का आंसर है प्योर्टो रिको खाई। क्लियर। अब थोड़ा सा अपने दिमाग में एक सिनेरियो फिट होना चाहिए कि प्योर्टो रिको खाई कहाँ है। तो ये पश्चिम द्वीप समूह के पास मिलेगी। कहाँ पे? पश्चिम द्वीप समूह के पास। और बेसिकली ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर आपको ये खाई मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वोच्च ज्वार कहाँ आते हैं, यानी दुनिया का सबसे ऊंचे ज्वार के बारे में ये पूछ रहा है। चार विकल्प दिए हैं, बंगाल की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, फंडी की खाड़ी और बिस्के की खाड़ी। आप अपना उत्तर लिख दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होता है आपका फंडी की खाड़ी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, करीबन 15 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे उठती है। फंडी की खाड़ी कनाडा के पूर्वी तट पे स्थित है और ये अटलांटिक महासागर क्षेत्र के अंदर पड़ता है ये इलाका। आपने पढ़ा होगा कनाडा का न्यूफाउंडलैंड का जो क्षेत्र है वहाँ ये फंडी की खाड़ी पड़ती है और वहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, सामान्यतः दीर्घ ज्वार व लघु ज्वार के मध्य का अंतराल होता है। क्या बात कर रहा है ये? दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार, इन दोनों के मध्य कितने टाइम का अंतर रहता है? 24 घंटे, 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन। आपके सामने चार विकल्प है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इनमें से आप अपना आंसर छांटिए। इस प्रश्न का आपका उत्तर है 7 दिन। मैं आपको बता देता हूं दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार की कंडीशंस बनती है, आपको पता हो तो, अमावस्या और पूर्णिमा को। अमावस्या और पूर्णिमा को दीर्घ, आप कहोगे सर दीर्घ ज्वार क्या है? सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा आता है ये ज्वार। ये उस कंडीशंस में आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीध में हो। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीध में हो। और आपको पता है ज्योग्राफी में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों जब एक सीध में होते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं सीजीगी। तीनों का एक सीध में आना सीजीगी कहलाता है। और ये तीनों एक सीध में 2 दिन में आते हैं वर्ष में, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा, वर्ष में नहीं, माह में, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। और इस दिन दुनिया के किसी भी स्थान जो सूर्य चंद्रमा के सामने होगा उस पर हाईएस्ट ज्वार आएगा। हाईएस्ट कितना आएगा? औसतन सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा ज्वार आएगा, उसको कहते हैं दीर्घ ज्वार। ये कंडीशंस कब बनती है? अमावस्या और पूर्णिमा को बनती है। और इस कंडीशंस को क्या कहते हैं? सीजीगी। एक कंडीशन आपको पता है युति और सीजीगी में भी एक बनता है युति और एक बनता है वियुति। युति किस कंडीशंस को कहते हैं? जब पृथ्वी एक साइड में होती है और बीच में होता है चंद्रमा, पृथ्वी एक साइड में और बीच में रहेगा आपका चंद्रमा और बहुत दूर रहेगा आपका सूर्य। इस कंडीशंस को बोलते हैं युति की कंडीशंस। और इसका जब अपोजिट बन जाएगा तो उसको कहते हैं वियुति, मतलब चंद्रमा वन साइड चला जाएगा और पृथ्वी बीच में आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि युति कंडीशन कब आती है और वियुति कंडीशन कब आती है। वियुति की कंडीशन आपकी पूर्णिमा की बनेगी और युति की कंडीशन अमावस्या को बनेगी। और इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर दीर्घ ज्वार आएंगे और इनके ठीक 7 दिन बाद, 7 या 8 दिन बाद, 7.5 दिन बाद अपन कह सकते हैं, कहते हैं कि वो जो कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी होती है उसको सामान्य से 20% नीचा ज्वार आता है। क्योंकि उस कंडीशंस में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणिक होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणिक है। ये पृथ्वी हो गई, ये सूर्य हो गया और ये चंद्रमा हो गया। तो इधर सूर्य का ज्वारीय फोर्स लग रहा है और इधर चंद्रमा का ज्वारीय फोर्स लग रहा है, तो दोनों ही फोर्स एक दूसरे से टकरा जाएंगे।
इस कंडीशन में सामान्य से 20% नीचा ज्वार आएगा। ये भी अपने आप पे एक प्रश्न है, कितना नीचा ज्वार आएगा, 20% नीचा आएगा, इसको लघु ज्वार कहते हैं। तो ये एक दीर्घ ज्वार के 7 दिन बाद लघु ज्वार आता, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? जल धाराएं दुनिया की आपको दो तरीके से याद करनी है। नंबर एक, कौन से महासागर में कौन सी जल धारा है। नंबर दो, कौन सी जल धारा ठंडी है और कौन सी जल धारा गर्म है। तो इस पहले इस प्रश्न को देख लें, फिर मैं आगे आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर करूंगा। ये जो अपना प्रश्न है, इसमें नंबर एक ब्राजील की धारा है, नंबर दो बेंगुला धारा है, नंबर तीन हम्बोल्ट धारा है, नंबर चार फॉकलैंड धारा है। ये क्या कह रहा है कि ठंडी धारा नहीं है। प्रश्न को ढंग से पढ़ना, ठंडी जल धारा नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही सिंपल निकल जाएगा ज्योग्राफी में जिसने धारा पढ़ी है। इस प्रश्न का आपका उत्तर है ब्राजील की धारा। कौन सी धारा? ब्राजील की धारा। जब आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे, ये सभी धाराएं आप एनालिसिस करोगे तो इसमें ब्राजील की धारा आपको अटलांटिक में मिलेगी, बेंगुला अटलांटिक में मिलेगी, हम्बोल्ट की धारा आपको प्रशांत में मिलेगी, फॉकलैंड की धारा अटलांटिक में मिलेगी। धारा से रिलेटेड आपको एक चीज याद रखनी है, गायर्स। देखो, पूरी दुनिया के अंदर जल धाराओं का एक साइकिल बनता है, दो चक्र बनते हैं प्रशांत में, एक उत्तरी प्रशांत में चक्र बनता है, एक दक्षिण प्रशांत के अंदर चक्र बनता है। दो ही बनते हैं अटलांटिक में, एक उत्तर अटलांटिक में बनता है, एक दक्षिण अटलांटिक में बनता है, एक बनता है हिंद महासागर में, दक्षिण हिंद महासागर में। दुनिया में 5 गायर्स है, ये ध्यान रखना। अब बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि कौन सी जल धारा किस गायर्स का हिस्सा है। जैसे बेंगुला की जल धारा ये किस गायर्स का हिस्सा है, तो ये दक्षिण अटलांटिक गायर्स का हिस्सा है। इस तरीके से आप अपने दिमाग के अंदर ये पूरा सेट कर दीजिए ज्योग्राफी के बच्चे कि 5 गायर्स है, कौन सी धारा किस गायर्स के अंतर्गत आती है। और बेसिकली गर्म और ठंडे का तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि यदि विश्वत से आ रही है, यदि कोई धारा विश्वत की तरफ से आ रही है इसका मतलब वो गर्म है, और कोई धारा ध्रुव से आ रही है इसका मतलब वो ठंडी है। इसमें एक दो एक आपको अपवाद मिलते हैं, जैसे अपन ध्रुव के पास चले जाएंगे, अलास्का धारा उसके पास चले जाएंगे, तो वहां वो अपवाद है, उसको सॉर्ट आउट कर लेना। बाकी मोटे रूप में सामान्य एग्जाम्पलों के लिए विश्वत से जाने वाली गर्म है और ध्रुव से आने वाली ठंडी है। इसमें स्पेसिफिक अपन ये भी ध्यान रखते हैं कौन सी धारा महाद्वीप के कौन से तट पे चलती है, जैसे कनारी की धारा अफ्रीका के कौन से तट पे चलेगी, पश्चिम तट पे चलेगी, उत्तर पश्चिम तट पे चलेगी, उत्तरी तट पे चलेगी, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, महासागरीय धारा जो उत्तरी अंध महासागरीय धाराओं की चक्र गति, ये आया गायर का भाग नहीं है, अभी मैंने जिक्र किया था, ये प्रश्न आपका आगे आ गया। किसकी बात कर रहा है ये? उत्तरी अंध महासागर की बात कर रहा है। उत्तरी अंध महासागर के गायर्स का कौन भाग नहीं है? कनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा, उत्तरी विश्वतीय धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा। बात किसकी कर रहा है? अटलांटिक महासागर की कर रहा है, अटलांटिक महासागर की बात कर रहा है। अटलांटिक महासागर में भी उत्तरी अटलांटिक की कर रहा है। अब उस गायर्स का कौन हिस्सा नहीं होगा, ये बहुत ही एक प्रकार का कंक्लूसिव प्रश्न है, एक बहुत निचोड़ किया प्रश्न है। ये जो सारी धाराएं हैं ये आपको मिलेगी अटलांटिक में और उत्तर अटलांटिक में भी मिलेगी। कनारी भी आपको उत्तर अटलांटिक में मिलेगी, लेब्राडोर। हाँ, पहले तो आप अपना उत्तर दे दीजिए ताकि बाद में अपन इस पे डिस्कस करें कि कौन सी जल धारा इसके गायर्स के अंतर्गत नहीं आएगी। उसके बाद मैं मेरा उत्तर दे देता हूं। अपना इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो लेब्राडोर रहेगा। आपको सर कैसे, ये भी तो उत्तर अटलांटिक में है। देखो, गायर्स का मतलब उस चक्र को पूरा करती है धाराएं। जैसे आप नॉर्थ अटलांटिक के अंदर जाओगे तो
तो ये जैसे जीरो डिग्री, जीरो डिग्री की लाइन है, ठीक है। यहां से अपन गायर्स की शुरुआत करते हैं। ये है उत्तरी विषुवत रेखा की धारा, उसके बाद ये है गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये है पशुआ पवन, उसके बाद मान लें ये है कनारी। क्लियर हुआ? अब ये गायर्स तो पूरा हो गया। इधर से आ रही है लेब्राडोर, है उत्तरी अटलांटिक महासागर की, लेकिन इस गायर्स को पूरा करने में लेब्राडोर का कोई रोल नहीं है, इसलिए लेब्राडोर इसके लिए सुटेबल नहीं बैठेगी, इस गायर्स का हिस्सा नहीं है। इसी तरीके से जो पूर्व वाला प्रश्न था ना, फाकलैंड धारा, ये किसी गायर्स के अंदर नहीं आती है, ये भी ध्यान रखना। फाकलैंड आपको कहाँ मिलेगी? जैसे ये दक्षिण अमेरिका है ना, इसके इस भाग से होकर के यूं आती है ये, और फिर इससे टकरा जाती है ब्राजीलियन धारा से, तो फिर उसका जो रुख है वो वेस्टर्न पवनों के साथ हो जाएगा, पशुआ पवन वाले उस प्रवाह के साथ हो जाएगा। तो बट वो गायर्स का हिस्सा नहीं है, तो गायर्स के संबंध में आपको थोड़ी जानकारी रखनी है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाते हैं। मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी आपने मध्य अटलांटिक कटक पढ़ी होगी, उसके अलग अलग जगह पर्टिकुलर नाम है उन कटकों के, तो ये कह रहा है कि उसका कौन सा भाग है जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैलेंजर उभार, डॉल्फिन उभार, वाल्विस उभार या रियो ग्रांडे उभार? आपने ये नाम यदि पूर्व में पढ़े हैं तो इसको आप ढंग से कर सकते हैं। इस प्रश्न का आपका आंसर होगा डॉल्फिन उबार। अटलांटिक महासागर को आप, अटलांटिक महासागर के बेसिन को आप ढंग से समझोगे तो वहां आप जब जीरो डिग्री के ऊपर, जीरो डिग्री से इस साइड में जाओगे तो ये नॉर्थ पार्ट है, यहां कटक का अलग अलग विस्तार है। ये पूछ क्या रहा है, नॉर्थ साइड में स्थित है वो कौन सा है? इसका मतलब बाकी नॉर्थ में नहीं है, एक नॉर्थ में है। आप यहां आओगे तो यहां आपको डॉल्फिन उबार मिलेगा, ग्रीनलैंड के थोड़ा नीचे, ग्रीनलैंड के पास यहाँ टेलीग्राफ पठार मिलेगा, टेलीग्राफ पठार। मैं कहता हूं ये बार बार बड़ी मात्रा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। टेलीग्राफ पठार और डॉल्फिन उबार ये दोनों ही उत्तर में है, और चैलेंजर का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे ही आप विषुवत के निकट आओगे, सॉरी नीचे आओगे, जैसे इधर ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, तो यहां आपको मिलेगा चैलेंजर उबार दक्षिण में। चैलेंजर उबार भी दक्षिण में है, वाल्विस उबार भी दक्षिण में है। आप अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पे आ जाओगे, वहां आपको वाल्विस उबार मिलेगा, और इसके इस साइड वाले भाग के अंदर, अमरीकी साइड के सामने वाले भाग में आपको रियो ग्रांडे उबार मिलेगा। ये कटक है, ठीक है। तो टेलीग्राफ का पठार और ये डॉल्फिन उबार ये दोनों उत्तर में है, और इसके अलावा वाल्विस, रियो ग्रांडे और चैलेंजर ये हो गया दक्षिण में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी, नेक्स्ट अपना 24वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह एक जो पूर्वी अंडमान सागर की बेसिन नहीं है, बेसिन का मतलब होता है महासागर की तली के अंदर जो मैदान पाए जाते हैं। देखो सभी विद्यार्थी जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सबको पता है बेसिन क्या होती है, गर्त क्या होते हैं, कटक के उबार क्या होते हैं। जो नए बच्चे हैं जैसे ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं तो उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे ही आप भौतिक भूगोल पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब आज भी ये मैक्सिमम क्लासें ग्रेजुएशन और पीजी करने वाले बच्चों को ज्यादा देखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें एग्जाम का सिनेरियो पता चल जाता है, क्वेश्चन कहाँ से उठ करके आते हैं। तो ये बेसिन मैदान है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा मैदान है जो पूर्वी अंडमान सागर की बेसिन नहीं है। बहुत ही गजब की बात लिखी, पूर्वी अंडमान सागर,
जब आप बेसिनें देखोगे तो कुछ पश्चिम के भाग में मिलेगी और कुछ पूर्व के भाग में मिलेगी, जिसमें कैनारी बेसिन, लेब्राडोर बेसिन, स्पेनिश बेसिन और कैप वर्डे बेसिन, ये चार आपके सामने विकल्प है। आप इनमें से अपना उत्तर दे दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है लेब्राडोर बेसिन। जब आप अटलांटिक महासागर के अंदर जाओगे, लेब्राडोर बेसिन आपको मिलेगा यूएस कनाडा के जस्ट पूर्व साइड में, तो ये तो अटलांटिक का पश्चिम भाग हो गया। यदि आप अटलांटिक को बीच में से चीर दें, मिडल अटलांटिक रिज से चीर दें, मध्य अटलांटिक कटक से चीर दें, तो इसका पश्चिम भाग तो ये हो जाएगा, कौन सा, अमरीकी साइड वाला भाग हो जाएगा। तो आपका जो लेब्राडोर बेसिन है ये तो कनाडा और उसके पास मिलेगा, जबकि बाकी कैनारी बेसिन आपको अफ्रीका के पास मिलेगा। जैसे ये आप आ गए, ये मध्य अटलांटिक कटक है, और इधर का ये जो अफ्रीका का पार्ट्स है थोड़ा ऊपर 0 डिग्री से ऊपर तक जाएगा, तो ये आपका कैनारी बेसिन है। कैनारी बेसिन के जस्ट ऊपर जाओगे तो यहाँ आपको स्पेनिश बेसिन मिलेगा। तो हालांकि कैनारी बेसिन का हिस्सा विषुवत के पास ही है, यहाँ है, और स्पेनिश बेसिन इसके ऊपर जाओगे तो मिलेगा, और कैप वर्डे बेसिन दक्षिण अफ्रीका के इस साइड मिलेगा, मध्य मध्य दक्षिण अफ्रीका, थोड़ा मैंने दक्षिण बना दिया। तो ये तो सारे पूर्व की साइड में, जबकि लेब्राडोर है वो पश्चिम की साइड है। इधर ब्राजीलियन बेसिन जो आएगा, ब्राजील बेसिन आएगा, वो आपका पश्चिम के अंदर आएगा। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ये आरपीएससी द्वारा या यूजीसी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है जिसका अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है उच्चता मिट्टी वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इप्सोमेट्रिक कर्व। स्टैंडर्ड ज्योग्राफी को जानते होंगे बच्चे, इप्सोमेट्रिक कर्व, आप इसका उत्तर लिख दीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इप्सोमेट्रिक कर्व क्या होता है। तो उच्चता मिट्टी वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, नंबर एक महाद्वीपीय मग्न तट को, महाद्वीपीय मग्न ढाल को, गैर सागरीय मैदान को, सागर जल में लवणता परिवर्तन को, ये चार विकल्प दिए। फिर नीचे इनको अलग अलग दिया, देखो एबीसी, यानी एबीसी सही है, मतलब महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न ढाल और गैर महासागरीय मैदान, फिर एबीडी या केवल डी या केवल ए और बी, इनमें से आपका आंसर जो सही है वो आप अपना सेलेक्ट कर दीजिए। इसका आंसर सही है महाद्वीप, सॉरी ए, यानी ए बी और सी तीनों ही सही है। थोड़ा पहले तो इसको समझें क्या है इप्सोमेट्रिक कर्व, उसके बाद में ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। इप्सोमेट्रिक कर्व एक ग्राफ है, अपन ग्राफ बनाते हैं ना गणित के अंदर, इस तरीके का एक डायग्राम है ज्योग्राफी के अंदर, जो धरातल के ऊपर उठे हुए क्षेत्र और गहरे क्षेत्रों की गहराई और ऊंचाइयों को प्रदर्शित करता है। याद रखना, हिप्सोमेट्रिक कर्व समुद्र के नीतल और महाद्वीप के ऊपर उठे क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ है, जिसमें गहराई और ऊंचाई साथ ही साथ क्षेत्रफल ये प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपने कभी हिप्सोमेट्रिक कर्व बनाया हो तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, और सॉरी ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये भी वाई कोऑर्डिनेट है। माना कि पृथ्वी का इप्सोमेट्रिक कर्व बनाना है आपको, कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भूभाग धरातल से कितना ऊंचा है और कितना गहरा है, तो गहरा समुन्द्र को व्यक्त करेगा और ऊंचा है वो धरातल को व्यक्त करेगा। तो ये जैसे हाइट है और ये जैसे गहराई है, तो अपन ने कर्व बनाया कि भाई दुनिया का ये भूभाग है, ये परसेंटेज है, यहां से आपका कर्व शुरू हुआ। जैसे 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 आपका परसेंटेज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हाइट है वो कम होती जाएगी, मतलब ये मैक्सिमम हाइट का क्षेत्र है ये, तो आप ऐसा बोलोगे भाई दुनिया का 2% क्षेत्र है वो 800 मीटर से अधिक ऊंचा या 800 मीटर ऊंचा है, फिर यहाँ चार आए तो 4% है वो 600 मीटर ऊंचा है, फिर आप गहराई में गए इस तरीके से,
ये आपका कर्व बनेगा, ये गहराई है, तो ये गहराई है जैसे 6,000 मीटर, तो 6,000 मीटर तक दुनिया का है वो 2% भाग गहरा, यानी दुनिया के 2% हिस्से है वो 6,000 मीटर की गहराई के। इस तरीके से ये ग्राफ बनाया जाता है बड़े रूप में, जब आप किताब के अंदर इसको बनाया हुआ समझोगे या प्रॉपरली आपके पास डेटा होगे बनाएंगे तब पता चलेगा। तो अब ये चीज क्या कह रहा है कि भाई इप्सोमेट्रिक कर्व दर्शाता क्या है, तो ये तो हाइट और गहराई को दर्शाता है। तो इसमें जैसे महाद्वीपीय मग्न तट है तो ये गहराई का हिस्सा है, महाद्वीपीय मग्न ढाल है ये गहराई का हिस्सा है, गहरे सागरीय मैदान भी गहराई का हिस्सा है, तो लवणता का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो धरातल के ऊंचाइयों और धरातल की गहराइयों को इप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा दिखाया जाता है। आज की क्लास में बस अपने इतना ही डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में फिर अपन ज्योग्राफी के क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।